94.3 माय एफएम पंजाब का नंबर वन रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं, और अगर आपको आवाज सुनी सुनाई दे रही है, लेकिन आप सोच रहे हैं संडे को आवाज नहीं आती, बट आज कैसे, यस संडे को आरजे मीनाक्षी को ही आप सुन रहे हैं, और आज मैं यहाँ पर किसलिए हूँ, इससे पहले मेरे साथ कोई है, एक सेकंड मैं जरा आपको इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरे साथ है नैटी। हाय मीनाक्षी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। थैंक यू। वेल, मेरे साथ नैटी है, और मैं आपको बता दूं कि आज से, यस आज से रेडियो की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम शुरुआत कर रहे हैं माय मनी गुरु की, इंडियाज फर्स्ट रेडियो टॉक शो ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज, एंड माय मनी गुरु इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। एंड जैसे आपको पता है मेरे साथ है नैटी, को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया। सो नैटी, आज हम शुरुआत कर रहे हैं शो की, आई एम वेरी वेरी सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस शो माय मनी गुरु। आपने क्या सोच के आपको लगा कि नहीं इस शो की शुरुआत करनी चाहिए माय मनी गुरु? मीनाक्षी, एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने लगता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि किस चीज में इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और सिर्फ वो ही नहीं, हमें लगता है कि मुझे 12 साल मैंने वॉल स्ट्रीट के ऊपर काम किया, वहां से करके मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, जब मैं वापस आके हिंदुस्तान में वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि यहां पर अवेयरनेस की बहुत कमी है, और ब्रोकरेज इंडस्ट्री एज अ होल में बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस रही हैं, जिसके कारण एक आवाम हिंदुस्तान का उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पा रहा। इंडिया की मार्केट आप कैसे कहेंगे, सच बताना है? आई वुड से हिंदुस्तान की मार्केट इज मार्ड बाय एनी अदर मार्केट इन टर्म्स ऑफ, की कभी भी कोई मार्केट बढ़ रही होती है, डेवलप हो रही होती है, तो वो सब चीजें होती हैं, और उसी के कारण हमारे काफी सारे आज लिस्टनर्स जो हैं वो सोच भी रहे होंगे कि हमने पैसा स्टॉक मार्केट में डाल के पैसा गवाया या कुछ किया, ये उन चीजों के बाय प्रोडक्ट हैं, और हम चाहते हैं कि इस शो के जरिए हम लोगों को एजुकेट कर सके ताकि उस तरह की चीजें लोगों के साथ ना हो। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट रादर हर एक स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट हर एक इन्वेस्टमेंट से बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो कि पाया गया है हर एक डेवलप मार्केट में। हिंदुस्तान में वो चीज बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि हमारी इग्नोरेंस है। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट बाय एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स सो दे आर एम्पावर्ड एंड दे कैन मेक द राइट डिसीजन। अमेजिंग, मतलब अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी राइट डिसीजन ले पाएंगे। अब इस बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम का लेटेस्ट ब्रांड न्यू शो माय मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। गुड वाला इवनिंग है गाजी, 94.3 माय एफएम पंजाब का नंबर वन रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं मेरी यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, और संडे को भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी इस शो में जिसका नाम है माय मनी गुरु, ब्रॉट टू बाय फिनवेजिया। और यस, मेरे साथ हैं फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम और इश्यूज को सोल्व करने वाले हैं। चलिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नैटी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आई एम रियली बैड विद इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसेस, ये सच बात है, और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि मतलब जब भी लास्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, घूम फिर के मैं लास्ट में सिर्फ एफडी ही करती हूँ। सो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराना एक सही ऑप्शन तो है ना मीनाक्षी? एक्चुअली हिंदुस्तान में हम जितना देखते हैं ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पर वो ये रियलाइज नहीं करते कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने से वो दिन ब दिन और गरीब होते जाते हैं। एक फिक्स डिपॉजिट जो है वो फिक्स डिपॉजिट आपको 9% का एनुअल रिटर्न देता है, ठीक है, पर आपका जो इन्फ्लेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आज आप कोई चीज खरीद रहे हो, उस चीज का जो मूल्य है वो आज से एक साल के बाद कितना होगा, जो हिंदुस्तान में 11% है, इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में आप जो 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, वो एक साल के बाद 111 रुपए की होगी। अगर आपने कोई चीज आज से एक साल के बाद खरीदनी है, उसके लिए 100 रुपया आपने बैंक में डाल दिया, तो आपके पास सिर्फ 109 रुपया होगा। माय गॉड, तो आज जिस चीज के लिए आपके पास पूरे 100 रुपए हैं, कल उस चीज के लिए आपके पास 2 रुपए कम होंगे। ये तो बहुत, मतलब हम नुकसान करा रहे हैं बल्कि एफडी में डाल। आप अपना पैसा एफडी में डालकर दिन ब दिन कम करते हैं। गॉड, मैंने कितने पैसे अपने कम कर दिए, अब एफडी में ना डालें तो क्या करें, ये हम पूछेंगे। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम का ब्रांड न्यू लेटेस्ट शो, द फर्स्ट रेडियो टॉक शो ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज माय मनी गुरु, मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, एंड ऑब्वियसली आर एक्सपर्ट नैटी के साथ। सुनते रहिए माय एफएम, जियो दिल से। आपने पहले ऐसा रेडियो पे कभी नहीं सुना होगा जो आप आज सुन रहे हैं। That's right, 94.3 माय एफएम पंजाब का नंबर वन रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु, इंडियाज फर्स्ट रेडियो टॉक शो ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज। एंड यस, इनके बिना ये शो कम्प्लीटली अधूरा है। मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर, वेल यस माय मनी गुरु इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया,
एंड नाटी, आपने थोड़ी देर पहले मुझे ये बताया कि एफडी में इन्वेस्ट करना कितना गलत है और आपका कहना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मेरा सबसे बड़ा फियर है, और मैंने देखा है आम तौर पे लोगों का भी ये बहुत बड़ा फियर रहता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप एक लंबे दर के ऊपर देखें, अगर मैं बात करता हूँ कि अपना सेंसेक्स जो हमारे हिंदुस्तान का एक इंडेक्स है, पिछले 10 साल में उसने एवरेज 17% रिटर्न दिया है, पिछले 20 साल में उसने एक एवरेज 15% के आसपास रिटर्न दिया है, और किसी भी 10 साल के पीरियड में सेंसेक्स में आपको कभी नुकसान नहीं हुआ। अगर आपने किसी भी साल में सेंसेक्स में पैसा डाला 10 साल के लिए, आपका पैसा कभी भी कम नहीं हुआ। अगर मैं इसकी चीज को एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर आपने सेंसेक्स में आज से 20 साल पहले पैसा डाला होता तो 100 रुपए के बदले आपको आज 18,000 रुपया मिलता। माय गॉड, 100 रुपया डाला होता तो आज उसका 18,000, और वही पैसा अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में डाला होता तो 100 रुपए के बदले 236 रुपए। आई कांट बिलीव इट, हम इतनी बड़ी मिस्टेक मेजर कैसे कर सकते हैं? मतलब आई वुड से दैट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और यहीं पर हम आपको अवेयर कर रहे हैं। चलिए, अवेयर कर रहे हैं तो ये अवेयर करना बहुत जरूरी है कि व्हाट नॉट टू डू इन इन्वेस्टमेंट्स, कि क्या इन्वेस्टिंग करते टाइम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये पता करेंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर, मुझे यानी आरजे मीनाक्षी को सुनते रहिए, ये शो माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया 94.3 माय एफएम पे जियो दिल से। चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर में आप इकट्ठे सुन रहे हैं इस समय ये शो माय मनी गुरु 94.3 माय एफएम पर, जो कि है पंजाब का नंबर वन रेडियो स्टेशन, और आप इसे सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ। यस, आज से यानी संडे शाम को 5 से 6 आप सुनेंगे ये शो जिसका नाम है माय मनी गुरु, विच इज ब्रॉट यू बाय फिनवेजिया, और मेरे साथ हैं को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया नाटी एंड द वेरी हैंडसम, मैं आपको बता दूं इस समय आप सुन रहे हैं, बट ही इज वेरी गुड लुकिंग, वैसे मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे मॉडलिंग कर रहे हो। आई मस्ट कॉम कॉम्प्लीमेंट यू नाइटी कि आप मॉडल ज्यादा और फाउंडर को फाउंडर ऑफ इन्वेजिया के कम लगते हैं। सीरियसली, चलिए तो मस्ती रही। वैसे मस्ती में मुझे याद आया नाटी कि मैं भी एक पार्टी में गई थी, मेरा एक फ्रेंड ने बताया कि मीनाक्षी तू ना बायोकॉन के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, बायोकॉन इस समय बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि जब कोई ऐसा सजेशन देता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, ये बहुत अच्छा कर रहा है, क्या उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है? मीनाक्षी, मैं थोड़ा सा वहां से डाइवर्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार सट्टा बाजार नहीं है। जैसे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट, हम बात करें इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। तो मुझे नाटी ये बताइए कि व्हाट नॉट टू डू व्हाइल इन्वेस्टिंग। श्योर, अगर मैं आपको क्विकली डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करूं तो आई वुड से द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड एंड स्टे अवे फ्रॉम फियर। आई वुड से डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, यू नो, डू योर होमवर्क वेल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, मेंटेन पेशेंस। ये थोड़ा मेरे लिए सीरियसली ज्यादा हो गया, प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके, तो आप इसको ऐसे सोचिए, अगर आपको कहीं पर हॉलिडे के लिए जाना है, वेकेशन के लिए जाना है, तो आप बैठ के 10-15 दिन तो देखते रहते हैं कि वहाँ पर होटल कौन सा अच्छा है, वहाँ पर मौसम किस वक्त जाना चाहिए। पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी ने एक पार्टी में बोला कि ये शेयर अच्छा है, उस शेयर को खरीद लिया, ऐसे ही करते हैं। तो वो चीज जो है, इसलिए मैं बोलता हूँ अपना होमवर्क कीजिए कभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ऑलराइट, होमवर्क करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो वेल नाटी, आप हमें गाइड करते रहेंगे और आप भी गाइड होते रहिए इस शो से जिसका नाम है माय मनी गुरु। चलिए, अभी टाइम हो गया बाय बाय टाटा कहने का, लेकिन अगले संडे माय मनी गुरु ब्रॉट टू बाय फिनवेजिया में फिर आपको मिलेंगे संडे शाम को 5 से 6 बजे। टिल देन टेक केयर, 94.3 एफएम सुनते रहिए जियो दिल से।